हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑल जी के एडुकेशन में। दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 7 जुलाई को मोदी मंत्रिमंडल चेंज हुए है दोस्तों, सभी मंत्री को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। वीडियो को बिना स्किप करते हुए वीडियो को एंड तक बने रहे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के नया रक्षा मंत्री किसे बना गया है? सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह को। तो दोस्तों राजनाथ सिंह भारत के नए रक्षा मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, अमित शाह। देखिए दोस्तों, अमित शाह को भारत के नए गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, नितिन जयराम गडकरी। देखिए दोस्तों, नितिन जयराम गडकरी को भारत के नए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण। देखिए दोस्तों, निर्मला सीतारमण को भारत के नए वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, नरेंद्र सिंह तोमर को। देखिए दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सुब्रम जयशंकर को। देखिए दोस्तों, डॉक्टर सुब्रम जयशंकर को भारत के नए विदेश मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, अर्जुन मुंडा को। देखिए दोस्तों, अर्जुन मुंडा को भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महिला और बाल विकास मंत्री किसे बना गया है? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, स्मृति ईरानी को। देखिए दोस्तों, स्मृति ईरानी को भारत के नए महिला बाल विकास मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए वाणिज्य और उद्योग मंत्री किसे बना गया है? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, पीयूष गोयल। देखिए दोस्तों, पीयूष गोयल को भारत के नए वाणिज्य उद्योग मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, धर्मेंद्र प्रधान को। देखिए दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान को भारत के नए शिक्षा मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए कोयला मंत्री और खान मंत्री किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, प्रहलाद जोशी को। देखिए दोस्तों, प्रहलाद जोशी को भारत के नए कोयला मंत्री और खान मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए सूक्ष्म लघु मध्यम के उद्यम मंत्री किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, नारायण तातुराने। देखिए दोस्तों, नारायण तातुराने को भारत के नए सूक्ष्म लघु मध्यम के उद्यम मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए जल मार्ग मंत्री आयुष्मान मंत्री किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, सर्बानंद सोनोवाल। देखिए दोस्तों, सर्बानंद सोनोवाल को भारत के नए जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, मुख्तार अब्बास नकवी को। देखिए दोस्तों, मुख्तार अब्बास नकवी को भारत के नए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, वीरेंद्र कुमार को। देखिए दोस्तों, वीरेंद्र कुमार को भारत के नए सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायत राज मंत्री किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन सी गिरिराज सिंह। देखिए दोस्तों, गिरिराज सिंह को भारत के नए ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायत राज मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को। दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया एम सिंधिया को भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए इस्पात मंत्री किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र प्रसाद सिंह। देखिए दोस्तों, रामचंद्र प्रसाद सिंह को भारत के नए इस्पात मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्विनी वैष्णव को। देखिए दोस्तों, अश्विनी वैष्णव को भारत के नए रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, पशुपति कुमार पारस को। देखिए दोस्तों, पशुपति पारस को भारत के नए खाद्य संस्करण और उद्योग मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए सूचना प्रसारण मंत्री और युवा मामलों के खेल मंत्री किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, अनुराग सिंह ठाकुर को। देखिए दोस्तों, अनुराग सिंह ठाकुर को भारत के नए सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामलों के और खेल मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए सांस्कृतिक मंत्री और पर्यटन मंत्री किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, जी किशन रेड्डी को। देखिए दोस्तों, जी किशन रेड्डी अभी भारत के नए संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, पुरुषोत्तम रूपाला। देखिए दोस्तों, पुरुषोत्तम रूपाला को भारत के नए मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए भारी उद्योग मंत्री किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, महेंद्रनाथ पांडे। देखिए दोस्तों, महेंद्रनाथ पांडे को अभी भारत के नए भारी उद्योग मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए जल शक्ति मंत्री किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, गजेंद्र सिंह शेखावत। देखिए दोस्तों, गजेंद्र सिंह शेखावत को भारत के नए जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए कानून और नए मंत्री किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, किरण रिजिजू। देखिए दोस्तों, किरण रिजिजू को भारत के नए कानून और नए मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए पर्यावरण वनों और जलवायु परिवर्तन मंत्री किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, भूपेंद्र यादव। देखिए दोस्तों, भूपेंद्र यादव को भारत के नए पर्यावरण वनों और जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, राजकुमार सिंह। देखिए दोस्तों, राजकुमार सिंह को भारत के नए विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास शहरी मामलों के मंत्री किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरदीप सिंह पुरी। देखिए दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी को भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास शहरी मामलों के मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन उर्वरक मंत्री किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, मनसुख मंडाविया। देखिए दोस्तों, मनसुख मंडाविया को भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन उर्वरक मंत्री बनाया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।